प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए। हरियाणा ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। दो बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनाव चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, शहरी नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने भाजपा को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि वो अब कांग्रेस और शहरी नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। दो बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं।